ये देखो गाइस, यहाँ से पूरा मलबा, मतलब पानी वानी आया होगा, मलबा पूरा रास्ता, लोगों ने हल्का फुल्का मतलब जुगाड़ कर रखा है। अब मुझे लग गाइस, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मतलब क्या सीन है भाई, पूरा मतलब मनीषा घर कितने में बचा है आप देख पा रहे होंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम बीएसजी पहाड़ी ब्लॉग्स। तो फाइनली जो है आज वो दिन आ चुका है, आज तुम्हारा भाई जो है जा रहा है बागेश्वर। एंड आपने जो है सिंपली थंबनेल में देख, मतलब थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा कि मतलब आज तुम्हारा भाई जो है जा रहा है बागेश्वर। और जो है सुबह सुबह उठते ही ना मतलब पहाड़ के दर्शन हो गए, बिकॉज आज आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ सामने बिल्कुल मतलब आज पहाड़ जो है क्लियरली दिख रहे हैं। तो हिमालय भी मतलब आज यहाँ से साफ दिख रहा है, मतलब काशीपुर से हिमालय जो है साफ दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा है, मतलब अभी जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी जो है शाम का टाइम है और यहाँ से मतलब अभी तैयार हूँगा, निकलूँगा बागेश्वर के लिए, मतलब शाम को निकलूँगा ना, वो सही रहता है, मतलब वहाँ टैक्सी वाले को फ़ोन, मतलब जो है गाड़ी वाले उनको फ़ोन। तो देखते हैं क्या क्या होता है ब्लॉग में, तो एंड तक देखना ब्लॉग को प्लीज़। और बाकी अभी व्यू देखो काफ़ी जो है अच्छा हो रहा है, तो सबसे पहले तैयार होता हूँ फिर जाके मिलता हूँ। अभी गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं एंड अभी जो है निकलने का टाइम है। सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं काशीपुर को, फिर देखते हैं क्या सीन होता है। गाइस जो है काफ़ी टाइम से खड़े हैं यहाँ पे एंड अभी जो है कोई बस नहीं आ रही, तो देखते हैं कब तक मिलती है बस, उसके बाद निकलते हैं। गाइस फाइनली जो है पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ आ रखे हैं दीदी के यहाँ, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं रात को नहीं बना पाया था क्योंकि उसमें क्या होता है ना, नींद आ रही थी बहुत तगड़ी और गाड़ी वाले सोने भी नहीं दे रहे थे, तो बोल रहे थे फ्रंट सीट पे मत सो, ये है, तो मैं पीछे जाके चुपचाप सो गया, नींद आ रही थी। गाइस व्यू देखो यहाँ से, काफ़ी ओसम जो व्यू आ रहा है। और जो सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं ये वाला मंदिर, मैंने आपको बहुत पहले जो है, आप में से जो मतलब ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता होगा, मैंने काफ़ी पहले उनको वीडियो दिखाई थी जिसमें नाव वाव चला रहे थे हम, तो वहाँ जो ये वाले मंदिर थे और उसी गांव में मैं रुका हूँ आज, हाँ बिकॉज दीदी है ना मेरी, मतलब तो उनके यहाँ आया हूँ रक्षाबंधन में आज, तो सभी भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। तो जो ये वाला मंदिर देख रहे हैं आप, तो ये मंदिर में कोई भी मतलब बोलते हैं कि पत्थर और मतलब सीमेंट वगैरह, पत्थर तो यूज़ किए हैं लेकिन सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, इस तरह से मतलब पूरा प्राचीन है। और आप यहाँ पर घर भी देख पा रहे होंगे आप, ये घर भी मैंने दिखाया था बहुत पहले ब्लॉग में, अगर जो लोगों को नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी जानकारी देता रहता हूँ गांव के बारे में, मतलब जगहों के बारे में। और सामने जो देख पा रहे होंगे आप इधर जो घर दिख रहे हैं लाइन वाले से आपको, ये जो है हमारे गरुड़ मार्केट है ये। और बाकी नदी देखो इधर, एक नदी बह रही है बगल में से, और इसी नदी में जो है वो झील है। ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अभी मार्केट जाते समय मिलते हैं। गाइस जो है फाइनली जा रहे हैं अभी मार्केट की तरफ को, एंड अभी सबसे पहले मुझे जाना है तहसील में, तो फिर देखते हैं क्या होता है तहसील में से, मतलब अपना काम करके आते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। एंड उससे पहले यहाँ का व्यू देखो, गाइस अभी क्या देख रहे हैं, मतलब यार जहाँ पे कुछ दिन मतलब कुछ महीनों पहले नाव चलते थे, आज वहाँ पे देखो क्या सीन हो गया यार, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा है टूट गया है क्या हो गया, लेकिन मैंने वो अंकल जी लोग ऊपर जा रहे हैं उनसे पूछा था कि अंकल जी इसको क्या हो गया मतलब, तो वो बता रहे हैं कि इसको जो है अभी खोल दिया गया है, तो देखो कब तक जो है रिपेयर होता है, मेरे ख्याल से तो बरसात के बाद ही होगा, आई थिंक उन्होंने बरसात के लिए जो है खोल दिया होगा, क्योंकि अगर बरसात आएगी तो भर जाएगा ना सब। मतलब भाई साहब एक को मतलब भाई साहब कोई झील सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है, आज देख लो मतलब कुछ तरह से, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, मतलब एक ब्लॉग में देखा होगा पीछे जो दीदी की शादी वाला था, उसमें हम यहाँ घूम रहे थे नाव में, इसी जगह पे घूम रहे थे। तो अभी हमारा काम है तहसील में, तो सबसे पहले हम तहसील में जाते हैं, तहसील में जाने के बाद मतलब एक एफिडेविट है ना मेरा, मैं सिग्नेचर कराने हैं, तो वकील से मतलब वकील जैसे मोहर लगा के सिग्नेचर करवाने हैं एफिडेविट में, जो झील था दिखाने के लिए वो तो अब नहीं है, तो अभी जाते हैं फिर तहसील में, क्या चीज बनता है फिर मिलता हूँ। एंड गाइस अभी जो है काम हो रहा है, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है, मतलब गरुड़ जाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि जो काम करने में आया था उसमें शायद से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो शायद से क्या पता गरुड़ ना जा पाऊँ, तो देखता हूँ क्या सीन बनता है। गाइस अभी जो है यहाँ से निकल रहे हैं, बट क्या है ना कि नींद से हालत ख़राब हो गई है, तो जो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया आने में, 9 बजे से हमें रुका के रखा, और अभी जो है टाइम हो गया है 12 के करीब बज गए हैं,
तो 12 बजे से वहाँ बैठा था और ऊपर से कर सा आ रहा है, तो देखते हैं क्या सीन बनता है और दीदी के यहाँ जाके सो जाते हैं। फाइनली जो है सीन बना है बैजनाथ घूमने का मेरे साथ दीदी और वो, उसका डांस देखा होगा आपने दीदी वाले दीदी की शादी में। तो अभी जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर घूमने, आपको फिर से जो है वो वाला मंदिर दोबारा दिखाऊंगा, तो जिसने नहीं देखा था वो देख लेना। गाइस मंदिर में आ रखे थे तो अभी चल रही है फ़ोटो शूट एंड चलते हैं मंदिर की तरफ को। आपको जो मंदिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था उसको फुल विस्तार से दिखाते हैं, और काफ़ी सारे मंदिर मैंने बोला था कि काफ़ी सारे मंदिर हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो मतलब काफ़ी सारे मंदिर हैं। अभी आगे से फ्रंट व्यू दिखाता हूँ एंड मंदिर का एंट्री कर मतलब एंड मंदिर में एंट्री करते हुए तो सबसे पहले आपको थोड़ा चल के आना पड़ता है इधर को, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर इतना बड़ा घंटी ये आपको बजाना पड़ेगा। ये फिर इसके बाद जो है आप एंट्री मार सकते हो एंड फिर आपको यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने पहले भी दिखाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग देख लो। इनमें मतलब कोई भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी मतलब चिपकाने के लिए कोई ग्लू या सीमेंट का यूज़ नहीं किया है, मतलब पत्थर पे पत्थर रख के स्ट्रक्चर दिया गया है इनको। देखो काफ़ी डिज़ाइन भी दिया अच्छे से, और बाहर मतलब आप देख पा रहे होंगे, और इसको मतलब छत बनाने के लिए सीमेंट का ने कोई सरिया का यूज़ किया है। आप देखोगे थोड़ा सा ऐसे जैसे गुंबद होता है ना, ताजमहल का गुंबद है ना, जैसे झुका हुआ है ऐसे हल्का हल्का झुका हुआ है, तो यही सब है इनमें। और कोई कुछ बताने की कोशिश करे तो पूछने की कोशिश करेंगे, तब आप कुछ बता सकते हैं। लिखा हुआ है तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मतलब देख नहीं पाते हैं उनके लिए भी अपनी लिपि में, जिसको कि लुई ब्रेल जिन्हें अंधे लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है, और जो पढ़ पाते हैं उनके लिए यहाँ पे विस्तार पूर्वक लिखा गया है, जिसे पढ़ना आता है पढ़ सकता है, वरना मैं पढ़ी तो मैं लगा दूँगा। एक काफ़ी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मूर्ति देखो आप, मतलब कोई मतलब कलाकारी करके निकाला गया है, देखो आप देख पा रहे होंगे सब मतलब हाथ से बनाई हुई कला है, कोई मशीनरी नहीं है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी जो है आप ये गौतम बुद्ध जी जो भी हैं मतलब कोई हैं अपने ही कुल देवता होंगे, तो उनका जो है बनाया गया स्ट्रक्चर आई थिंक हाथ से ही, मतलब वो चीनी और हथौड़ा होता है ना उससे खरोद खरोद के जो है बनाया गया है। और शेर देख पा रहे होंगे आप, मतलब लग रहे हैं कि रियल शेर होंगे। और बाकी इसी तरह से काफ़ी मंदिर हैं, मैंने उस साइड से दिखाए थे, उस साइड के सारे मंदिर हैं, और इस साइड से भी देखो आप मतलब हर जगह शिवलिंग बने यहाँ पे वहाँ पे मंदिर, और बाकी उस साइड वहाँ पे आप देख पा रहे हो सब मंदिर ही मंदिर है। अभी काफ़ी अच्छा व्यू भी मिल रहा है। सो गाइस अब निकलते हैं, काफ़ी कुछ मतलब सिनेमैटिक फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह बना ली, तो अभी घर जाके मैंने बताया था वहाँ पे शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी उस समय, लेकिन हालत ख़राब हो रखी है, तो अभी जो है निकलते हैं दीदी के यहाँ फिर वहाँ से घर। गाइस फाइनली जो है अब निकल रहा हूँ घर की तरफ को, दीदी भी छोड़ने आई थी पीछे तक लेकिन वो चले गई है, तो अभी बूबू को कॉल कर दिया मैंने, मतलब जो गाड़ी वाले हैं निकल रहे हैं, अभी देखता हूँ फिर गाड़ी में मुझे लगता नहीं कि बनाने का मौका मिलेगा, सीधे मिलता हूँ घर पहुँच के, मतलब गाँव के मतलब जो चमदौली धार है वहाँ पहुँच के फिर बात करता हूँ आपसे। गाइस जो है फाइनली पहुँच चुके हैं घर एंड हमारे दिनेश भाई जी की धन्नो, हमारे करण भाई जो हमारे साथी थे, और बाकी आज सवारी कुछ ज़्यादा नहीं थे तो मज़े में आए। और तो अभी वो लोग जा रहे हैं नीचे, बोल रहे हैं हमारा सिनेमैटिक बना दो एक, तो अभी बनाते हैं फिर घर जाके मिलते हैं। मनीष के यहाँ जाने का टाइम मिला तो मनीष के यहाँ जाऊँगा, फिर मिलता हूँ अभी। गाइस आपको अभी एक चीज दिखानी है, ये देखो मतलब ये नदी अभी इतनी भयंकर लग, मतलब अभी इतनी छोटी लग रही है, बट इस नदी ने क्या कारनामा किया है अभी ये देखो। गाइस देखो यही चीज दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, मतलब क्या जो है हालत कर दिया फील्ड का। मैंने इस पर वीडियो बनाया था लेकिन उसको काफ़ी मतलब ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो कोई दिक्कत नहीं मैं इस पर और मतलब मैं खुद जाके वहाँ पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे नीचे तक पूरी फील्ड की हालत ऐसी की तैसी हो गई है, आप देख पा रहे हैं जूम करके। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस पर, बाद में बोलूँगा जब मैं यहाँ जाऊँगा पूरा एक्सप्लोर करूँगा सही से, तब उसी टाइम पर बोलूँगा। और गाइज जो आपको वहाँ पर घर दिख रहा है
वो भी हमारा ये मतलब पहले हुआ करता था, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे उसकी कंडीशन, मैं भी देख रहा हूँ ऊपर से टूट गया यहाँ से। तो इसके बारे में भी कभी आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, आज कल ही मैं देखूंगा कब तक होता है, फिर देखता हूँ। बाकी वहाँ पे दादी देखो, वहाँ पे दादी काम कर रही है, और देखता हूँ अभी मिलता हूँ उनसे, फिर देखता हूँ। गाइज इनसे मिलिए, कौन है? दादी प्रणाम। दादी गाइज हम घर आए और मनीष के यहाँ नहीं जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो अभी सबसे पहले मनीष को मिलने जा रहा हूँ एंड उसको सरप्राइज देते हैं, क्योंकि मैंने उसको बता नहीं रखा कि मैं जो है घर आ रहा हूँ। तो अभी जो है सबसे पहले मनीष से मिलते हैं और मनीष के यहाँ की हालत दिखाता है सबसे पहले, क्योंकि वही जो है देखने लायक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी मतलब आपने ये जगह देखी होगी, तो मतलब जब बोकुल भाई की शादी थी उस वाला ब्लॉग देख लेना, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है, देख लेना सारे ब्लॉग मेरे इसी तरह के आते रहते हैं। तो अभी सबसे पहले यहाँ के दिखाता हूँ तुम्हें हाल, देखो ये देखो गाइस, यहाँ से पूरा मलबा मतलब पानी वानी आया होगा, मलबा पूरा रास्ता, लोगों ने हल्का फुल्का मतलब जुगाड़ कर रखा है। अब मुझे लगता नहीं कि सरकार देगी, मतलब कोई देगा ये रास्ता, लगता नहीं मुझे। अब ऐसी जो है अभी दिखाता हूँ यहाँ से, देखो ये सर मतलब लोगों ने अपने उससे अब अपने पल्ले से बोलो या मतलब अपनी मेहनत से बोलो अपने लिए कर रखा है ये सब। अब उनको करना तो पड़ेगा यार, अब क्योंकि जाना तो उन्होंने, सरकार ने दोनों जाना है इधर से, अब सरकार देगी भी नहीं मुझे ये, क्योंकि अब बोलेगी वो मतलब क्या बोलेगा मतलब समझ नहीं आता। तो देखो यहाँ पे पूरा गिर गया, मेरा दिखाने का काम है, बाकी मतलब वो सब करने का काम मेरा नहीं है। तो अभी मनीष के यहाँ, ओ भाई गाइस उधर देख पा रहे हो, जूम करके दिखा, ओ भाई ये क्या है गाइस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पेड़ था तिमुल का जो भी था वो देख पा रहे मतलब, ओ भाई अभी वहीं जाके पता करते हैं क्या हो रखा है मतलब। गाइस ओ माय गॉड, आप यहाँ पे देख पा रहे मतलब क्या सीन है भाई, पूरा मतलब मनीष का घर कितने में बचा है आप देख पा रहे होंगे। ओ भाई अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ आप सब भाई को, एंड ओ भाई साहब एक्सपेक्ट नहीं की थी मतलब गधेरा इतना वो कर सकता अपना। तो देख पा रहे होंगे भाई साहब, लगता नहीं था कि इतना हो पाएगा, लेकिन खैर छोड़ो ये सब, अपने मनवा से मनवा। हेलो सर, हेलो हेलो, मनीष का गाइस, हम गरीबों के सेफ मनीष सिंह दोसाद। हेलो सरप्राइज सरप्राइज गाइस, जो है अभी आ रखे थे छोटे दादा के यहाँ। तो अभी आज के ब्लॉग में यही सब था, तो मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।